Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss the two conditions related to immobilization. One is immobilization in the shortened position, and the other one is immobilization in the lengthened position. Okay? We will compare these both conditions. ठीक है, सबसे पहले हम discuss करते हैं immobilization in the shortened position. तो जब भी हम किसी भी limb को या किसी भी body के segment को short position में immobilize करवाते हैं, तो उससे उस पर क्या effect होता है? पहला effect ये होता है कि उसकी जो length है muscle की या muscle के फाइबर्स की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है. दूसरा क्या होता है कि उसमें जो सार्कोमेयर्स हैं, सार्कोमेयर का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम सार्कोमेयर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है, थर्ड थिंग क्या है कि जो मसल है वो एट्रॉफी में चला जाता है. जब एट्रॉफी हो जाता है तो मसल अल्टीमेटली वीकन हो जाता है. ठीक है, अब मसल एट्रॉफी में चला जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि मसल में जो एब्जॉर्प्शन है सार्कोमेयर की वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रीजनरेशन. ठीक है, रीजनरेशन कम होगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो मसल एट्रॉफी में चला जाएगा, वीकन हो जाएगा. अब ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो एट्रॉफी है वो ज़्यादा जल्दी होती है इन द शॉर्टन पोजिशन देन एज़ कम्पेयर टू द लेंथन पोजिशन. अब अगर हम इस कंडीशन में लेंथ टेंशन कर्व को देखें तो दैट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब टेंशन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है इस केस में. अब हम दूसरी कंडीशन को डिस्कस करते हैं. जब हम इमोबिलाइजेशन करवाते हैं एक पर्टिकुलर लिम की इन द लेंथन पोजीशन में, तब क्या होता है? जब मसल को हम लेंथन पोजीशन में इमोबिलाइज कराते हैं फॉर द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, तो उसमें जो सार्कोमेयर का नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, मायोफिब्रोजेनेसिस होती है. अब शॉर्टन पोजीशन में सार्कोमेयर का नंबर डिक्रीज हो रहा था, इसमें सार्कोमेयर का नंबर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब सार्कोमेयर का नंबर इंक्रीज हो रहा है, एज अ रिजल्ट जो है वो मसल जो है वो उसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास जो मसल है वो इतनी जल्दी एट्रॉफी नहीं करता, इतनी जल्दी वीकन नहीं होता देन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द शॉर्टन पोजीशन. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आ जाता है, कोई भी पोजिशनल कास्ट लगा हुआ है या कोई भी डायनामिक स्प्लिंट लगा हुआ है, उसकी वजह से इमोबिलाइज हुआ लिम. ठीक है, तब ओवरऑल क्या था कि जो अगर इमोबिलाइजेशन लेंथन पोजिशन में की जाए तो वो ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देती है देन एज़ कम्पेयर टू इमोबिलाइजेशन इन शॉर्टन पोजीशन. ठीक है, वो नेगेटिव इफेक्ट देती है क्योंकि उसमें सार्कोमेयर की एब्जॉर्प्शन होती है, मसल एट्रॉफी हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए जो है रिडक्शन हो जाती है मसल की लेंथ में. At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you. Please subscribe my channel, like my video and also share it. Thank you.